70-80 दशक में एक नाम हर किसी के जुबान पर छाया था, नाम था कैंपा कोला, द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो स्वाद हर घर हर दिल पर राज करता था। 90 के दशक में अचानक बाजार से गायब हो गया। पेप्सी, कोका कोला जैसे ब्रांड ने इस कंपनी को बंद करने के कगार तक पे पहुंचा दिया, लेकिन 50 साल बाद ये कंपनी एक बार फिर से धूम मचाने बाजार में उतर आई है। इस बार कैंपा कोला को बाजार में टिकाने की जिम्मेदारी उठाई है देश के अमीर उद्योगपति रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने एक बार फिर से नए अवतार में कैंपा कोला को बाजार में उतार दिया है। जिस कंपनी को 22 करोड़ में अंबानी ने खरीदा, अब उसे फिर से लोगों की जुबान पर चढ़ाने की जिम्मेदारी रिलायंस ने उठाई। कैंपा कोला के बहाने मुकेश अंबानी सॉफ्ट ड्रिंक बाजार के किंग बनना चाहते हैं। जिस तरह से रिलायंस जियो लॉन्च कर मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर के राजा बन गए, अब कैंपा कोला के जरिए वो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज करने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को लॉन्च कर 50 साल पुरानी इस कंपनी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने कैंपा कोला को 3 वेरिएंट में उतारा है। कैंपा कोला के जरिए अंबानी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर छाने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में साल 2023 में सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार करीब 9 अरब डॉलर का है, जो साल 2027 तक 11 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। कैंपा कोला के जरिए मुकेश अंबानी इस बाजार पर धाक जमाना चाहते हैं। इस वक्त इस बाजार पर पेप्सी, कोका कोला जैसे बड़े खिलाड़ियों की धमक है। भारत में साल 2023 में प्रति व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की खपत 5 लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। कैंपा कोला की मदद से अंबानी इस बाजार से बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी सीधी टक्कर कोक और पेप्सी जैसे बड़ी कंपनियों से होगी। हालांकि मुकेश अंबानी चुनौतियां लेने और उसे पूरा करने में माहिर है। रिलायंस के साथ डील होने के बाद पहले कैंपा कोला को बीते साल दिवाली के मौके पर लॉन्च करने की तैयारी थी। कहा जा रहा था कि इसके 3 नए फ्लेवर दिवाली तक भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे। हालांकि तब ये लॉन्च नहीं हो पाया और अब होली के तुरंत बाद कंपनी ने इसे ऑरेंज, लेमन और कोला फ्लेवर में पेश किया है।